सुना होगा आपने भी कि मेहनत जो होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है और किस्मत जो होती है वो लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट तो फिर भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर की तरफ ले जाती हैं, यानी कि मेहनत आपको आपका मुकाम जरूर हासिल करवाती है। एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी आपको सुनाता हूं जिसकी किस्मत में शोहरत लिखी है और वो शोहरत अच्छी भी है और बुरी भी है। एक ऐसा क्रिकेटर जो अपनी गेंदबाजी से पूरी दुनिया में छा जाता है, देश का हीरो बन जाता है, लेकिन जब बात आती है उनके प्राइवेट जीवन की, निजी जीवन की, तो उसमें उनकी छवि जो है विलेन की तरह पेश की जाती है। उनकी पत्नी उन पर आरोप लगाती है कि ये मारपीट करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको लगेगा कि इनका व्यवहार बड़ा सौम्य है। ये वो क्रिकेटर हैं जो ना कोई बुरी आदत रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ अपना गेम खेलते हैं। इनकी लाइफ पर अगर कोई मूवी बनती है तो मुझे लगता है कि वो सुपर हिट होगी। इस क्रिकेटर का नाम है द वन एंड ओनली मोहम्मद शमी, जो विश्व कप में लगातार अपनी गेंदबाजी से दुनिया को साबित कर चुके हैं कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हूं। आइए आपको सुनाता हूं मोहम्मद शमी की कहानी, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगी। मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मोहम्मद शमी के जीवन से मैंने जो लर्निंग ली है वो ये है कि कभी भी हार नहीं माननी है। तमाम मुसीबतें आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं, आप अपना काम करते रहिए। उत्तर प्रदेश में अमरोहा नाम की जगह है, जहां तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज थे। लोग उनसे कहते कि आप जाकर के ट्रेनिंग ले लो, आप तो टीम इंडिया के लिए खेल सकते हो। किसान परिवार से थे, खेती करते थे, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं थे, और उन्हें लगा कि शायद मेरे भाग्य में, नीति में सब लिखा भी नहीं है। तो सारा ये जो पैशन था छोड़ करके अपना काम ही करते रहे, किसानी करते रहे। जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो सपना है, क्यों ना मैं अपने बच्चों को सपना दिखाऊं और शायद मेरे बच्चे जो है वो सपना पूरा करें। तो एक बच्चा जो था तौसीफ अली साहब का, वो कमाल करने के लिए तैयार हो गया। उस बच्चे को तौसीफ अली साहब ने खेत में प्रैक्टिस करवाई, सीमेंट की जो पिच होती थी उस पर वो प्रैक्टिस करता था। और जब उन्हें लगा कि ये बच्चा कुछ कमाल करने के लिए तैयार है, तो 15 साल तक तो खुद ने ट्रेनिंग दी, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को लेकर के गए एक ऐसे गुरु के पास जिसने उस बच्चे की लाइफ बदल दी। 15 साल की उम्र तक उस बच्चे को, यानी कि मोहम्मद शमी को ट्रेन करने के बाद तौसीफ अली साहब जो कुछ उनके पास में सेविंग्स थी उसको इकट्ठा करके अपने बच्चे को लेकर गए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक एकेडमी में, जहां कोच साहब मिले। नाम था उनका बदरुद्दीन साहब। कोच के सामने जब उस लड़के ने गेंद फेंकना शुरू किया तो कोच ने कहा, ये मेरा आज से शागिर्द होगा, मेरा शिष्य होगा। लड़का जो था बहुत मेहनती निकला। उसने जो मैच खत्म हो जाते थे उसके बाद में भी जो पुरानी इस्तेमाल की हुई गेंदें होती थी उसका इस्तेमाल करके वो लगातार प्रैक्टिस करता था। जब पूछते थे कोच साहब तो कहता कि भाई मैं इससे रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंडर 19 के ट्रायल की जब बात आई तो उन्हें लगा कि शायद सिलेक्टर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोच साहब ने कहा कि भाई इसमें जो है थोड़ा सा पक्षपात हुआ है। तो फिर कहा गया सिलेक्टर की तरफ से जो वहां पर आए थे, उन्होंने कहा साहब अगले साल लेकर के आना। तो बदरुद्दीन साहब ने सोचा कि कब तक इसको एक साल का वेट कराएंगे, क्यों ना इसको कहीं और भेजते हैं। तो लड़के के फादर यानी कि तौसीफ अली साहब से कहा कि देखो आप इसको कलकत्ता भेज दो, कोलकाता में अगर वहां पर क्लब खेलता है और स्टेट के लिए खेलने लगता है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो तौसीफ अली साहब जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, बेटे का पैशन है और मैंने भी वो सपना देखा था, मेरे बच्चे ने भी सपना देखा है, इसको भेजते हैं। कोलकाता आकर के वो जो बंदा था यानी कि मोहम्मद शमी, वो आकर के क्लब ज्वाइन करते हैं, और उनके सामने भी रास्ता बहुत दूर था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके अंदर पैशन होता है, जब आपके अंदर सपने होते हैं, ललक होती है, तो कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो उनकी मुलाकात हुई बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे देवव्रत दास साहब से। देवव्रत दास साहब जो थे उन्होंने मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचान लिया, उनको लगा कि लड़के में दम है, और जब पूछा बात बात की तो उन्होंने बताया कि साहब घर नहीं है मेरे पास में, मैं तो बस अपने पैशन के दम पर यहाँ तक आ गया, जुनून मुझे लेकर के आया। तो उन्होंने अपने साथ उसे रख लिया मोहम्मद शमी को, और उसके बाद में बंगाल के एक सिलेक्टर थे, उनकी नज़र पड़ी कि इस लड़के में टैलेंट बहुत है, तो फिर उन्हें अंडर 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। देवव्रत दास साहब से जब पूछा गया कि भाई ये लड़के को आपने अपने साथ क्यों रखा और इस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब इस लड़के को पैसा नहीं चाहिए, इसको सिर्फ पैशन फॉलो करना है, इसको पैसा नहीं दिखता, इसको तो वो स्टंप्स दिखते हैं जिन्हें इसे उखाड़ फेंकना है, और ये गेंद को सीधा स्टंप पर पहुंचाने में यकीन रखता है, ज़्यादातर खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करता है। वहां से आगे निकल करके मोहम्मद शमी जो थे वो मोहन बागान क्लब में पहुंचे, और वहां ईडन गार्डन्स कोलकाता का जो ऐतिहासिक मैदान है उसके नेट्स में उन्होंने महान सौरव गांगुली को गेंदबाजी की, और सौरव गांगुली के साथ भी वही हुआ जो कि अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो कि उस मोहम्मद शमी को गेंद फेंकते हुए देखता था, कहता था ये लड़का बड़ा कमाल का है। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से सौरव गांगुली इंप्रेस हुए, और उनकी रिकमेंडेशन पर 2010-11 की जो बंगाल की रणजी टीम थी उसमें मोहम्मद शमी को सिलेक्ट किया गया।
उसके बाद 6 जनवरी 2013 का वो दिन था जब पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को इंडियन टीम की डेब्यू कैप जो है वो दी गई और उस टोपी का नंबर था 195 जिसको आज भी वो पहनते हैं और हर दिन उसका रुतबा जो है बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शमी का जीवन इतना आसान रहा नहीं है। ये जो तालियां उन्हें मिली हैं दर्शकों की तरफ से, जो प्यार उन्हें मिला है, उन्होंने घर की चुनौतियों का भी बहुत सामना किया है। कहते हैं कि घर में उन्हें तनाव का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस मोहब्बत के रास्ते पर वो चले थे उन्हें पता नहीं था वहां फूल नहीं कांटे बिछे हुए हैं। मोहम्मद शमी की जो प्रेम की कहानी है उसमें बहुत सारी नफरत भी आ गया है। हसीन जहां नाम की एक महिला जो कि प्रोफेशनल मॉडलिंग किया करती थी, जब वो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर बनी तो इस दौरान मोहम्मद शमी और हसीन जहां की मुलाकात हुई। 6 जून 2014 को शमी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर के हसीन जहां से शादी कर ली और हसीन जहां पहले तो कहती थी कि शमी जब आते हैं तो घर में ईद जैसा माहौल हो जाता है और मैं बहुत मिस करती हूं। बाद में उन्होंने कहा कि मैं बहुत नफरत करती हूं। हसीन जहां की कहानी कुछ ऐसी है कि 2002 में उन्होंने सैफुद्दीन नाम के व्यक्ति से लव मैरिज की थी और वो जो थे वो स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, लेकिन बाद में हसीन जहां ने उन्हें छोड़ दिया और 2010 में उनका तलाक हो गया। उनके 2 बेटियां थी। मोहम्मद शमी से भी हसीन जहां की 1 बेटी है और इन दोनों के बीच में भी तनाव की खबरें आती ही चली गईं। यहाँ तक कि हसीन जहां ने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद शमी जो हैं घर में मारपीट करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्सिंग की। ऐसे गंभीर आरोप भी मोहम्मद शमी पर लगाए गए और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद शमी का करियर खत्म हो गया है, लेकिन फिर जाँच कमेटी बैठाई गई और सारे आरोप जो थे वो निराधार निकले। मोहम्मद शमी ने बहुत सारे झगड़ों का, जो घर के झगड़े थे, उस तनाव का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन एक बात वो हर इंटरव्यू में कहते आए और हर किसी से कहते आए कि मैं सबसे दूर होकर सिर्फ क्रिकेट की पिच पर फोकस करता हूं ताकि ये सारा तनाव मेरे जीवन से हट जाए। मोहम्मद शमी के लिए लोगों ने कहा कि इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो गया है, शायद ये अब आपको क्रिकेट के मैदान में दिखेगा, लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में कमाल कर रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस में उन्हें बाहर रखा गया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड वाले मैच में 5 विकेट ली, इंग्लैंड वाले मैच में 4 विकेट ली और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 13 पारियों में उन्होंने वर्ल्ड कप में 40 विकेट ले लिए और ऐसा करने वाले, यानी कि सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा 40 विकेट लेने वाले जो हैं, इस लक्ष्य तक पहुंचने वाले वो सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं। मोहम्मद शमी का जो करियर रहा है, उनकी जो जीवन यात्रा रही है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी लर्निंग जो है वो मुझे सीखने को मिली और मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें, वो ये है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद, जब सारे संकट आपके आसपास हों, तब भी आप अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखें तो आप कमाल करके दिखाते हैं। जीवन में चुनौतियां, कांटे, संघर्ष बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, आपका साथ देगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया।